नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, अगर कोई इंसान खेत से जुड़ा है और वो कितना भी ऊंचाई पे चला जाता है तो उसे खेत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वहीं झारखंड के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस बात का जीता जागता उदाहरण है। गांव पहुंचते ही लंबे लंबे भाषण देने वाला नेताजी किसान बन गए हैं और जमकर खेतों में हल चला रहे हैं। दरअसल मंत्री सत्यानंद भोक्ता कोरोना काल के बीच सदर थाना क्षेत्र के अपने गांव कारी पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्या जानी है। इसके बाद वह अपने अन्य परिजनों के साथ खेती में जुट गए हैं। नेताजी को खेती करता देखने के लिए ग्रामीण जुट गए हैं। वहीं हल चलाने और धान रोपने के बाद उन्होंने कहा कि गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीबी को जानता हूँ, खेती करना हमारा धर्म है, किसान अन्नदाता होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वजों ने विरासत में खेत दिया है, खेती करना जरूरी है, किसान खेती करेगा तभी खाने के लिए अनाज मिलेगा। मंत्री के इस अवतार की चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति को अपने जो दिनचर्या है घर में गाँव में काम करना चाहिए। ऐसे हम लोग को बीमारी से मुक्ति मिलता है, आंख की रोशनी बढ़ता है, शारीरिक मानसिक टेंशन भी खत्म होता है। ये हर लोग को खेती पर जोर देना चाहिए, क्योंकि 80% भारत में जो है से आत्मनिर्भर किसान पर ही है। पूरे देश में जो खेती होता है अभी जो रुपये चावल मिलता है गरीबों के बीच में, आखिर वो कहाँ से पैदा होता है, कोई कोई किसान करता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो। तो झारखंड का जो यहाँ जो जनसंख्या है, यहाँ भी वर्तमान में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न चाहिए और उत्पादन क्षमता है 26 लाख मीट्रिक टन, तो शेष जो कमी। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।